उसमें कुछ खास हंगामा देखने मिला नहीं। उल्टा ये फिल्म तो किसी गंजे के सिर पे मक्खी की तरह बिल्कुल सपाट चलती रहती है। म्यूजिक में अनु मलिक सर को कहना चाहूंगा कि हम भले न्यू जनरेशन है, लेकिन हमें रिमिक्स के नाम पे फिल्मों के गानों का कबाड़ा नहीं पसंद है। जो आप ने कबाड़ा किया है अच्छे खासे गाने का, चुरा के दिल मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत सिंह और लेके आ गया हूं आपके लिए आम आदमी का फिल्म रिव्यू। जी हाँ, आम आदमी का फिल्म रिव्यू इसलिए इसे कह रहे हैं कि ना ही तो मैं कोई फिल्म एक्सपर्ट हूं, ना ही मैं बॉलीवुड से संबंध रखता हूं। मैं सीधा साधा एक आम आदमी हूं जिसे फिल्में देखना पसंद है, और मैं उन्हीं आम आदमियों में से एक हूं जो थिएटर के बाहर पिक्चर देख के जब निकलता है तो आसपास डिस्कशन करता है कि पिक्चर ऐसी थी वैसी थी, उसे कैसी लगी पिक्चर, तो मैं वही आपको बताऊंगा। तो अभी अभी मैंने हंगामा 2 देखी, कुछ देर पहले ही खत्म हुई है, और वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। बहुत सारे हाइप क्रिएट किए गए थे इसमें, शिल्पा शेट्टी का कमबैक था, परेश रावल जी भी बहुत टाइम बाद कॉमेडी कर रहे थे, आशुतोष राणा सर शायद पहली बार इससे पहले कर चुके हैं पता नहीं, कॉमेडी फिल्म कर रहे थे शायद बहुत सालों के बाद। इसके अलावा जो पिछली हंगामा थी उसकी मतलब जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, पूरी स्टार कास्ट का इसमें भर भर के इस्तेमाल किया गया था। जैसे राजपाल यादव जी हो गए, मनोज जोशी सर हो गए, जितने भी कॉमेडी एक्टर्स थे सबको इसमें डाला गया था। तो एक अलग एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ गई थी कि भैया ये फिल्म कैसी होगी, इतने सारी भरी स्टार कास्ट है, तो ये फिल्म कैसी है, क्या कहानी है, इसका म्यूजिक कैसा है, क्या ये हमें हंसा पाई या नहीं हंसा पाई, जितनी अपेक्षाएं थी उस पर खरा उतर पाई या नहीं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म के कलाकारों के बारे में, कौन कौन कलाकार इसमें नजर आए हैं। सबसे पहले तो लीड रोल में है हमारे आशुतोष राणा सर, मीजान जाफरी जो जावेद जाफरी सर के बेटे हैं, प्रणीता सुभाष बैंगलोर की हैं, उनकी ये पहली पिक्चर है बॉलीवुड में, बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं, शिल्पा शेट्टी जिनके लिए सबसे ज्यादा हाइप बनाया गया और उनका ऐसा कहा गया कि कमबैक कर रही है, हमारे परेश रावल जी फिर से राधे श्याम तिवारी के रोल में, और हाँ पिछली हंगामा के काफी सारे नाम भी रिपीट किए गए हैं, जैसे शिल्पा शेट्टी का इसमें नाम है अंजलि, राधे श्याम तिवारी परेश रावल जी का ही नाम है। इसके अलावा आपको मनोज जोशी सर मिल जाएंगे जो पिछली हंगामा में भी थे, राजपाल यादव सर जो प्रियदर्शन की हर पिक्चर में रहते हैं पिछली हंगामा में भी वो थे, और इसके अलावा आपको अन्य कलाकारों में देखने मिलेंगे रमन त्रिखा और टिक्कू तलसानिया सर बहुत साल बाद किसी फिल्म में नजर आए हैं, तो उन्हें भी देखना बड़ा दिलचस्प रहा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें फिल्म की कहानी की, तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे पिछले हंगामा से जो 2003 में रिलीज हुई थी, तो उसके मुकाबले इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा कमजोर नजर आती है। जी काफी ज्यादा कमजोर कहानी है, और ये जो कहानी है जितनी हमें उम्मीदें थी इसकी कि हंगामा जैसे वह हंगामा 2 है तो पिछली हंगामा से डबल इसमें हमें हंगामा देखने मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई चीज हंगामे जैसी इसमें नजर नहीं आई। और ये इस फिल्म की कहानी बिल्कुल गंजे के सिर पर मक्खी की तरह एकदम सपाट चलती रहती है, मतलब सीधी सीधी चलती रहती है, और इसमें कुछ ऐसा खास उतना नजर नहीं आया जितना हमें एक्सपेक्टेशंस था। और ये कहानी जैसे मैं बताऊं शुरू होती है आशुतोष राणा के घर से, मीजान जाफरी उनके बेटे का रोल कर रहे हैं, तो प्रणीता सुभाष आती है उनके घर और ये एक बच्ची के साथ, और वो इल्जाम लगाती है मीजान पे कि मेरे बच्चे का बाप मीजान है, और तो इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है। आखिरी में बच्चा किसका है ये पता कैसे चलता है, और किस तरह से नए नए खेल रचाकर मीजान जाफरी जो शुरुआत से ये कहते हैं कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, तो किस तरह से अलग अलग राजनीति खेल करके फनी वे में वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, और आखिरी में जब सस्पेंस खुलता है तो बच्चा आखिर है किसका, ये सब जानने के लिए आप फिल्म देख सकते हैं। क्योंकि प्रियदर्शन की फिल्मों का कमाल ऐसा होता है कि अगर बड़े कलाकार ना भी लो आप, तो स्टोरी के दम पे और उनका जो डायरेक्शन है स्टोरी के दम पे और कॉमेडी के दम पे ही वो फिल्में हिट हो जाती हैं। तो आज के जमाने में जहां ओटीटी आने की वजह से लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा जाता है कंटेंट पे, स्टोरी पे, कहानी पे, उसके बाद एक्टिंग पे, तो ऐसे दौर में थोड़ी इतनी कमजोर कहानी लेके आना, वो भी प्रियदर्शन सर जैसे डायरेक्टर का, ये थोड़ा बात मुझे ठीक नहीं लगी, ये दिल को मतलब थोड़ा उतना खुशी नहीं दे पाई।
अब अगर हम बात करें इस फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन की, एक्टिंग की, किसने कैसा परफॉर्म किया है, तो सबसे पहले लीड कैरेक्टर से शुरू करेंगे हम, मीज़ान जाफरी जो हैं। चलिए मीज़ान से पहले हम शिल्पा शेट्टी की बात करते हैं। जिस तरह से उनका हाइप क्रिएट किया गया था, शिल्पा शेट्टी इस फिल्म से कमबैक कर रही हैं, फिल्म का प्रमुख चेहरा वो होंगी। हालांकि एक्टिंग उन्होंने ठीक की, लेकिन उन्हें उतना स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं जिकि वो अपनी एक्टिंग एबिलिटीज उतने अच्छे से दिखा रहे हैं। जितना भी उन्हें मिला है उन्होंने ठीक ठाक अच्छा काम किया है उन्होंने। और वही परेश रावल सर, उन्हें भी उतना ही बराबर का स्क्रीन टाइम मिला है जितना शिल्पा शेट्टी को मिला है। दो तीन बार उन्हें ज्यादा मिल गया होगा, लेकिन परेश रावल जिस लेवल के कलाकार हैं उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। राधे श्याम तिवारी ही नाम रखा गया है उनका, और शिल्पा शेट्टी अंजलि के किरदार में आपको नजर आएंगी। आशुतोष राणा सर की बात करें, वो किस लेवल के एक्टर हैं ये हम सभी जानते हैं। तो मुझे आज तक लगता था कि आशुतोष राणा सर नेगेटिव रोल्स, विलेन वाले रोल्स, सीरियस रोल्स बहुत अच्छे कर सकते हैं। उन्होंने किया भी है, हमने उनकी फिल्में देखी हैं, संघर्ष हो गई, जानी दुश्मन हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने कॉमेडी के रोल में भी बहुत अच्छे से, एक परेशान बाप की जो भूमिका होती है उसे बहुत अच्छे से प्ले किया है। मतलब उन्हें जो काम दिया गया था आशुतोष राणा सर ने उसे परफेक्टली किया है। बाकी कलाकार हो गए जैसे प्रणीता सुभाष और मीज़ान जाफरी जो हमारे लीड कैरेक्टर्स हैं। मीज़ान जाफरी जो जावेद जाफरी सर के बेटे हैं, जावेद जाफरी सर का जो लेवल है उसके लिए, उस लेवल के कारण मीज़ान से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और उस पे मीज़ान खरे उतरने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं उतर पाते हैं। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है बॉलीवुड में, बहुत कुछ सीखना है एक्टिंग में। जावेद सर जैसी उनकी थोड़ी बहुत आवाज है, शक्ल है, फेस है, अच्छा फेस है, आगे जा सकते हैं। और प्रणीता सुभाष जो है साउथ से आई है, बैंगलोर की है, पहली फिल्म है, उस हिसाब से उन्हें जितना भी मिला है स्क्रीन टाइम उन्होंने ठीक ठाक काम किया है इसमें। और बेटर कर सकती थी मेरे हिसाब से, लेकिन अच्छा किया उन्होंने। इमोशन उनकी एक्टिंग में है, तो आगे जाके उनको आप इमोशनल रोल्स में भी देख सकते हैं अगर उन्हें ऑफर मिले तो। बाकी कलाकार जैसे हो गए राजपाल यादव सर, मनोज जोशी सर, टिकू तुलसानिया जी हमें बहुत दिन बाद किसी फिल्म में नजर आए हैं, उन्होंने काफी बढ़िया एक्टिंग की। और राजपाल यादव से तो अच्छी एक्टिंग के अलावा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जितनी भी उनको मिली है स्क्रीन स्पेस उन्होंने भरपूर हंसाया है जितना भी उनको टाइम मिला है। राजपाल यादव ने कमाल एक्टिंग की। मनोज जोशी सर, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है। जॉनी लीवर सर की गेस्ट अपीयरेंस रखी गई है, उन्होंने भी काफी काफी ज्यादा उम्दा काम किया है। बाकी कलाकारों ने भी मिलजुल के एक अच्छा काम करने की कोशिश की है, लेकिन जो फिर बड़े बड़े कलाकार थे उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जैसा भी डायरेक्शन होगा अच्छा काम किया है। हालांकि हमें बहुत अच्छे काम की उम्मीद थी क्योंकि हम हंगामा देख के बैठे हैं, तो हंगामा 2 मतलब आप समझ सकते हैं, तो उस लेवल का काम नहीं देखने मिला, लेकिन कलाकारों ने ठीक ठाक काम कर लिया है। अब अगर हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक की, तो बात करने लायक कुछ है भी नहीं इस फिल्म के म्यूजिक में। म्यूजिक में कोई खास दम है नहीं, और बैकग्राउंड साउंड में जो पुरानी वाली हंगामा थी उसके साउंड इफेक्ट्स यूज किए गए हैं खास तौर पे जो कॉमेडी सीन्स है उसमें। बाकी अनु मलिक सर इस फिल्म में कोई खास म्यूजिक नहीं दे पाए हैं, और उल्टा उन्होंने इतना सुपरहिट सॉन्ग था अपने टाइम का, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उसका तो अलग ही कबाड़ा कर दिया है मैं बोलूं। अच्छा खासा गाना कुमार शानू जी, अलका याग्निक की आवाज में था, पूरी तरह से कबाड़ा किया है उस गाने का। इस फिल्म का सबसे ज्यादा गंदा जो मुझे लगा वही गाना था। एक और सिंगर से उन्होंने कौन लिए, बेनी दयाल जी, जो अलग लेवल के, मतलब इस तरह के गाने उनके लिए नहीं है। और दूसरा अनु मलिक जी ने अपनी बेटी को ले लिया, अनमोल मलिक को, नेपोटिज्म तो आप क्या करें, आप कह सकते हैं आता है कभी कभी, लेकिन उन्होंने जो सिंगर्स थे यार, कुमार शानू अलका याग्निक जी से ही वापिस गवा लेते आप, वैसा ही मजा आता। लेकिन इस तरह से गाने का कबाड़ा नहीं करना चाहिए था, मैं तो यही कह रहा हूं। बाकी कोई गाना उतना खास है नहीं, तो म्यूजिक इस फिल्म में उतना अच्छा नहीं। हालांकि प्रियदर्शन की फिल्मों का म्यूजिक कितना अच्छा रहता है हमने देखा, भूल भुलैया का हरे राम हम आज भी गुनगुनाते हैं, हेरा फेरी के गाने कितने पॉपुलर हुए, हंगामा के गाने इतने पॉपुलर, हर फिल्म के गाने इतने पॉपुलर हुए, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक कुछ खास नहीं है, म्यूजिक में कोई भी दम नहीं है। करें जो पहली हंगामा थी 2003 में, और ये जो हंगामा 2 है, तो हंगामा 2 हंगामा को टक्कर दे पाई है, नहीं बिल्कुल भी नहीं दे पाई है, क्योंकि जो लेवल हंगामा का था, जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी, उस पर ये खरी नहीं उतरती है। और उसमें ये ऐसा क्यों हुआ, हंगामा 2
हंगामा को टक्कर क्यों नहीं दे पाई, उसके लिए मैंने कुछ नोट कर करके थी क्यों नहीं दे पाई। सबसे पहले तो ये शिल्पा शेट्टी की बात करें तो उनको इस तरह से दिखाया गया कि वो मेन चेहरा है फिल्म का, पूरा उन्हीं पर टिकी हुई है फिल्म, काफी साल बाद कमबैक कर रही है फिल्मों में, उतना उनको स्क्रीन स्पेस ही नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात, शिल्पा शेट्टी को इतना मेन दिखाया गया फिल्म आने से पहले, लेकिन फिल्म के 45 से 50 मिनट खत्म होने के बाद उनकी एंट्री होती है। मतलब मुख्य आप दिखा रहे हो और 50 मिनट 1 घंटे बाद आप एंट्री करवा रहे हो, उनकी एंट्री होती है और उतना स्क्रीन टाइम भी उन्हें नहीं दिया गया। जितना भी मिला उन्होंने ठीक ठाक काम किया जैसा मैंने बताया। और जिस लेवल की कॉमेडी हंगामा में थी उस तरह की कॉमेडी हमें नहीं दिखती है। कलाकारों में परेश रावल सर का जो पोटेंशियल है, जिस तरह से कॉमेडी करते हैं, उन्हें वो चांस नहीं दिया गया। जिस जैसे उन्होंने हंगामा में राधे श्याम तिवारी किया था, कितने डायलॉग आज भी हमें मेमोराइज है, मतलब पूरे दिमाग में है। उस वैसी एक्टिंग की थी उन्होंने। और आशुतोष राणा सर ने भी काफी अच्छा काम किया, हालांकि वो नई एंट्री थे उसमें। बाकी जितने भी कलाकार रिपीट हुए हैं पुरानी हंगामा से, सबने भरपूर कोशिश की इसको उस लेवल तक ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा पाए हैं। यहाँ पे राजपाल यादव जी ने बहुत अच्छा, जो भी उनको सीन मिले काफी अच्छा किया, जैसा पिछले हंगामा में भी किया था। मनोज जोशी जी ने भी लगभग वैसा ही किया जो पिछली में किया था। और प्रियदर्शन की फिल्मों की खासियत ये है, जो हंगामा हो गई, भूल भुलैया, हेरा फेरी, मतलब जितने भी हैं, अगर आप बड़े बड़े कलाकार भी नहीं लो, लेकिन स्टोरी में इतना दम था, कॉमेडी इतनी थी कि लोग फिर भी हम लोग इंजॉय कर लेते थे। और इतना उस फिल्म का लेवल होता था जो पुरानी प्रियदर्शन की फिल्में हैं, तो उसके मुकाबले हंगामा 2 मुझे कहीं नजर नहीं आती। ये प्रियदर्शन की फिल्म नहीं लग रही है किसी को। हालांकि कुछ कुछ सीन ऐसे हैं प्रियदर्शन की फिल्मों की खासियत में बताऊं आपको, कि उनकी फिल्मों में रहता है कि आप सबसे, अगर कॉमेडी फिल्म है प्रियदर्शन की, तो उसमें आप सबसे ज्यादा तब हंसोगे जब फिल्म के सारे कलाकार एक ही फ्रेम में हैं और एक साथ उनके बीच में कुछ ऐसे लफड़ा वाला सीन है या बातचीत वाला सीन है, तो उस सीन्स में आप सबसे ज्यादा हंसोगे। इस फिल्म में भी वो दिखा है, वही ऐसे सीन्स है जहां लगता है कि ये प्रियदर्शन की फिल्म है। सारे के सारे कलाकार इंक्लूडिंग राजपाल यादव, परेश रावल, सबके सब एक सीन में है और वो सीन सबसे ज्यादा कॉमेडी वाले हैं। मुझे खुद बहुत ज्यादा हंसी आई उन सीन्स पे। वो सीन्स फिल्म को बचा सकते हैं अगर लोग उन्हें पसंद करें तो। मुझे तो वो सीन्स पर्सनली पसंद आए। और एक और खास बात प्रियदर्शन की फिल्मों की, जो इस फिल्म में भी है, सारे कलाकार, जो एंडिंग होती है, सब कलाकारों को इकट्ठा करके और फाइनल एंडिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि हीरो हीरोइन पे हैप्पी एंडिंग कर दी, गले मिलते दिखा दिया, कुछ नहीं। सारे कलाकार जमा करते हैं और उसके बाद एंडिंग करते हैं, लेकिन एंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी जैसा प्रियदर्शन की फिल्मों की होती है। तो इसलिए ओवरऑल ये फिल्म जो है, हंगामा जो पहली वाली थी उसको टक्कर नहीं दे पाई है, उसके आसपास भी नहीं जा पाई। तो प्रियदर्शन सर से मैं यही कहूंगा, अगर वो मेरी बात अगर सुन ले, सुन पाए या उन तक ये मेरी बात पहुंच जाए, कि आप सर ओटीटी का जमाना आ गया है, आप कितने भी बड़े डायरेक्टर हैं, कितने भी बड़े एक्टर को आप ले लें, कितना भी डालने की कोशिश करें, आज की जनता जो देख रही है, इंक्लूडिंग आवर न्यू जनरेशन, हमें कंटेंट पसंद है, हमें स्ट्रांग स्टोरी चाहिए और एक्टिंग उसके बाद हम देखते हैं, एक्टिंग तो फिर चाहिए ही। तो आप इन पे फिल्में बनाएं, आप इतने लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, हमने इतना काम देखा है आपका अच्छा, तो और अच्छा काम हम एक्सपेक्ट करें। आप इतने साल बाद आए थे, आगे भी अगर आप फिल्में बनाते हैं तो पिछली वाली लेगेसी रिपीट करिए सर। और म्यूजिक में अनु मलिक सर को कहना चाहूंगा कि हम भले न्यू जनरेशन हैं, लेकिन हमें रिमिक्स के नाम पे फिल्मों के गानों का कबाड़ा नहीं पसंद है। जो आप ने कबाड़ा किया है अच्छे खासे गाने का, चुरा के दिल मेरा, बहुत कबाड़ा हो रहा है आजकल। जो पुराने गोल्डन एरा के जो स्मूथ गाने थे उनका रिमिक्स कर करके कचरा किया जा रहा है। रिक्वेस्ट है मेरी, अच्छे गानों का कचरा कबाड़ा करना बंद करें प्लीज। तो ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो हंगामा 2 को मैं 5 में से, क्योंकि स्टार रेटिंग देनी पड़ती यार फिल्म रिव्यू है, तो 5 में से 2 स्टार तो दूंगा, 1 स्टार ही देता। लेकिन इतने बड़े बड़े कलाकार जो हैं, आशुतोष राणा जी, परेश रावल जी, मतलब जितने सारे कलाकार, उन्होंने पूरा प्रयास किया फिल्म को ऊपर पहुंचाने का। कहानी कमजोर होने की वजह से नहीं कर पाए, इसीलिए इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 2 स्टार। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये फिल्म रिव्यू, आम आदमी का फिल्म रिव्यू, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया या कुछ कमियां लगी तो हमें कमेंट में बताएं। आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ये ऐसे ही फिल्म रिव्यूज करते रहूं, आपके लिए लेके आता रहूं, तो कमेंट करके मुझे बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जम के वो सब्सक्राइब बटन तो दब ही जाना चाहिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, एक आम आदमी को प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।
Uh-huh.